तो लाइक अभी हमारे रूम की हालत कुछ ऐसी है, कुछ ज़्यादा ही मतलब इधर उधर सब हो गया इधर। आप बताएं, आप वीडियो व्लॉग बना रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ब्लॉग बना रहे हैं। लाइक किए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भैया करिए। बता सकते हैं कि मलाइयों को कैसे बनाते हैं? आप जरूर बताएंगे मलाइयों कैसे बनता है। सामान पे ध्यान दे रहा, उतर से थोड़ा सब्जी को उतार के भी रख लेना। So welcome to my channel guys, hope you all are healthy, wealthy, fit and fine. So today I'm really happy to start this vlog because हमारा जो college है वो खुल चुका है finally, after like I'm going to college after 1.5 year. तो it's gonna be really crazy and बहुत मज़ा आने वाला है। और आप देख सकते हो like अभी packing वैकिंग ये सब चली रही है, तो हमारा room काफ़ी messed up है अभी। तो लाइक अभी हमारे रूम की हालत कुछ ऐसी है, कुछ ज़्यादा ही मतलब इधर उधर सब हो गया, इधर भी पूरा सामान वामान इधर उधर करके पूरा रख दिया है। फाइनली एक बैग पैक हो गया है और अभी ये वाला बैग पैक हो रहा है जो कि अभी खाली है। मैं इधर का इसलिए छोड़ दिया हूँ ताकि खाना वाना भी रखना रहेगा, तो वो सब भी सीन है। और ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सामान रखा हुआ ताकि जो जो जैसे जैसे याद आता रहे इस पर यहाँ पर रखूँगा, ये सब एंड मोमेंट पर रखेंगे। देखो याद आ गया, टूथब्रश नहीं रखा अभी, तब क्या ही बोले यार, नाटक हो रहा है। हाँ यही है, वैसे नया ले लेंगे लेकिन एक दिन दो दिन के लिए तो काम चलाना पड़ेगा, तो इसको भी अभी यहाँ पर रख दिया जाए। ठीक है। सो भाई अभी सीन ऐसा था कि मतलब रात में पूरी पैक वैकिंग शॉर्ट हो चुकी है अपनी, अब कोई चीज़ ऐसे है नहीं पैक वैक करना, थोड़ी बहुत बस खाने पीने का जो भी सामान है वो रखना है। तो अभी मतलब कुछ मेरे पास सामान है मेरे दोस्तों का, तो वो मुझे रिटर्न करना है और इसी बहाने उनसे मिलना भी हो जाएगा एक बार जाने से पहले, तो चलते हैं पहले। और यहाँ पूरा भी उधर कपड़ा वपड़ा मम्मी सब धो रही हैं वॉशिंग मशीन में, मेरी चाची वाची भी हैं सब, मतलब अभी जो भी है ये कोई काम करना नहीं इनको, बैठी हुई है बस बैठ के दिन भर ये लड़की फ़ोन देखती है दिन भर। अब मत करिए, हट मत क्या करिए, हट जाइए मत, नहीं तो। तो अभी लाइक मेरा फ्रेंड गौरव आ चुका है, मित्रकर्ण मेरा। तुम हर बार हेलमेट क्या पहन लेते हो? मित्रकर्ण आ चुके हैं, उधारी की ज़िंदगी से मैं मुक्त होने जा रहा हूँ। दोस्तों का कैमरा और पता नहीं क्या क्या लेके आए थे, तो अभी चलो सबका रिटर्न करते, इसी बहाने मिलना हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों इतना कॉन्शियस हो रहे भाई? तो अभी सो के उठे हो ना थोड़ी देर पहले? वो आवाज़ से पता चल रहा है। ये लीजिए अपना कैमरा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक भाई। फाइनली दुग्गल पहली बार ब्लॉग में आ रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है तिवारी भाई। तो भाई दुग्गल ने मुझे अपना कैमरा दिया था, और एक बार भी इस बंदे ने मतलब कितना, एक साल से हम लेके बैठे होंगे, एक बार भी मतलब कॉल वॉल कुछ नहीं, और जो भी है क्या ही बोले। तो अभी चल रहे हैं पुणे, तो इसी बहाने सोचे मिल भी लेंगे, कैमरा भी रिटर्न है भाई। इतना इतना क्या यार, तुम इतना डर क्यों रहे हो कैमरे के सामने? तो चलो अभी जो भी है और लोगों के भी उधार चुपते करने हैं। आदर्श से माइक लिए थे, यश से गोप्रो, और यश गोप्रो यश का यश अभी बनार से। आदर्श ये लो, खुश रहो। अरे यार ये संस्कारी बच्चा। और गन्नू कैसे हो? याद नहीं आ रही थी मेरी, तुम्हारा हम कमेंट देख रहे थे वीडियो के नीचे तुम कर रहे थे, अब तो हम चले जाएंगे पुणे। आप बताएं, आप वीडियो ब्लॉग बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल ब्लॉग बना रहे हैं। लाइक किए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत ही प्यारा बच्चा है ये, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ भाई, वो पतंग लेने चला गया, इधर आओ। तो अब हम पुणे चल जाएंगे, अब तो मिल नहीं पाओगे हमसे। हाँ अब कब जा रहे हैं? हम तो आज निकल जाएंगे, मतलब सुबह 4 बजे की ट्रेन है। ठीक है। बेबी कहाँ है, क्या कर रहे हो बेटा? इसका ध्यान पूरा पतंग पे है कि पतंग पहले लूट ली जाए, हम लोग बचपन ऐसा नहीं बीता है क्या? आदर्श तुम पतंग लूटे हो कि नहीं कभी? बहुत लूटे भाई, पहले उस वाले हो रहते थे ना, तो वहाँ तो वहाँ तो वैसे दौड़ के नहीं, पर जैसे आस पास हुआ या कहीं फंसा है तो जाके निकाल। तुम भाई पतंग वतंग कभी नहीं उड़ाते? नहीं है, उड़ाते ही नहीं है। नहीं, हम तो उड़ाए भैया, पतंग उड़ाना हमें भी आता है, लेकिन वो लूटने वाला जो केस है ना, मेरे घर के बाहर थोड़े लोग ऐसे बच्चे रहते थे तो उनको दे दिए थे हम। चलो इधर ब्लॉग में हाई कर दो, बोल दो हेलो गाइस, ऐसे कर दो हाय। इधर देखो, इधर देखो, हाँ अब बोलो बोलो हाय। अब तू पुणे चल जाएंगे, फिर तुमको मिस करेंगे, लेकिन चलो क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तो अभी चलते हैं, फिर अभी यश के यहाँ भी देना है कैमरा, यहाँ पे लेट हो जाएगी काफ़ी, और फिर दर्शन भी करना है, तो जो भी है तुरंत चलते हैं अभी। सो फाइनली अभी हम लाइक संकट मोचन आए हैं दर्शन करने, बिकॉज भगवान से भी एक बार परमिशन ले लेना चाहिए जाने से पहले, और मैं तो करूँगा ही वो। तो अभी एक लाइन भी है हनुमान चालीसा की,
संकट से हनुमान बचाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। तो अभी मतलब जैसा भी है एक बार भगवान से पूछ ले ताकि हमारे जर्नी में कोई संकट कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो फिलहाल यहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है, तो अभी हम आपको ऐसे ही दिखा सकते हैं, अंदर ले जाना कैमरा अलाउड नहीं है बिकॉज एक बार यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट भी हो चुका है। तो हम अपना पहले अभी फ़ोन यहाँ पे जमा करेंगे और फिर आके जैसा भी है देखते हैं। A few moments later. Finally, यश तो घर पे था नहीं तो मतलब उसकी मम्मी को ही दे दिए। और अभी अभी क्या करना है बताओ, यश ही नहीं था घर पे तो उसकी मम्मी को मतलब दे दी अपना GoPro जो भी था। यश आएगा तो अपना ले लेगा, तो खैर अगर पुणे आया तो फिर मिल ही लेंगे उससे भी। चलो कुछ खाते हैं। हाँ यार कुछ बनारस में उधर देखिए पीली लाइट जल रही है, पीली लाइट देख के हमको याद आ गया कि हम लोग मलाइयो खाना चाहिए, मेरा बहुत मन कर रहा है यार। चलो वही खाते हैं अब मलाइयो, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है और ये सिर्फ बनारस में मतलब सिर्फ ठंडी में मिलता है और ये ओस के उससे किसी तो बनता है जो भी। चलो चल के देखते हैं प्रसाद कहाँ रखें, डिग्गी में डाल दूँ। तो फाइनली शाम भी हो चुकी है और अभी हम आए पहलवान लस्सी। पहलवान लस्सी वैसे यहाँ पे सब भाई शायद कॉम्पिटिशन चलता रहता है लेकिन हम लोग बेस्ट वाले के यहाँ जा रहे हैं मलाइयो लेने। दो मलाइयो देखो हमें तो मतलब पता है कैसे बनता है क्या, एक बार हम भैया से भी बात करते हैं इस बारे में कि मलाइयो कैसे बनता है। ठीक है भैया बता सकते हैं कि मलाइयो कैसे बनाते हैं? जरूर बताएंगे मलाइयो कैसे बनता है। एक सेकंड एक रुक जाइए, एक शाम बाद में आने वाले हैं, आप पहले बता दीजिए कैसे। रात को इसको जो है ओस में रखते हैं खुली जगह में और जो है कि वो आपको रात भर ओस में रखना है, सुबह उसमें क्रीम दूध इलायची ये सब मिला के थोड़ा केसर और थोड़ी चीनी उसको दूध मिला के उसको इसी से मथने से जो हम लोग दूध से लस्सी वाले से वो एक कढ़ाई में रख के उसको मथा जाता है, वो झाग ऊपर आता है वही मलाई है। उसके बाद एंड में दूध भी देते हैं, वो भी बताइए कि एंड में दूध धान निकलने के बाद जो दूध बचता है वो मलाइयो खिलाने के बाद वो दूध हम लोग पिलाते हैं। तो भाई ये है, ये दूध है अभी इसमें खत्म है, हम लोगों को मिलेगा लेकिन। तो भाई अगर बनारस आ रहे हो और मतलब मलाइयो खाने का शौक है तो पहलवान लस्सी और भैया के यहाँ जरूर आना, बहुत फेमस शॉप है पहलवान लस्सी। बिल्कुल तो अभी देखो अभी चलो शुरू भी कर दिया खाना पीना मेरे भैया। ये जाड़े का सीजन का एक चीज है, ये दो महीना बनता ही है, ये 50 रुपए का एक आता है, काफी अच्छा छाछ जैसा। भाई देखो भाई मलाइयो जो है ना ये मतलब मलाइयो तो है और ये साथ साथ रबड़ी भी है इसमें और एक और कुछ येलो येलो डाले हैं, ये पूरा छाग होता है, पूरा मुंह में डालोगे भूल गया गायब। बेस्ट चीज़ है मतलब बहुत मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है और ऐसा भी कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर बनारस आ रहे तो ये ज़रूर ट्राई करना, बनारस से जाने से पहले मतलब अब ये ना ट्राई करके जाएं तो फिर गधे कहलाएंगे। तो ये और इसके बाद एक बार पान भी खाएंगे बनारस के, ठीक है। बनारस में ना पान खाने का एक प्रॉपर तरीका होता है जो हमें कार्तिक भैया बताए थे, तो वो करके क्या करना है कि पहले सर लगा के जय बोलेंगे बोलना, फिर एक बार में जमा लेना है, एक नंबर जय बोलेगी। जाते जाते बनारस आत्मा तृप्त होकर जानी चाहिए, ठीक है, पुणे आके सब गम ना लगे। पुणे हम पान खाए इतना घटिया पान देते ना वहाँ। खैर अब चलते हैं घर, देखते हैं और भी क्या क्या काम है, सारी उधारी छुट्टी कर चुके हैं जो भी है घर जाकर देखते हैं। सो फाइनली अभी सारी पैकिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट क्या मतलब सभी हो चुका है, बस कुछ देर में निकलना है। फाइनली सारा लगेज पैक हो चुका है और अब समय है कुछ लोगों को अलविदा बोलने का। अब आंसू नहीं बहा रही है मेरे लिए? नहीं आंसू क्यों बहा रहे, क्यों फिर आओगे इसलिए जा सकते? ये देखो पहले से ही सोच के लोग रख लिए कि आओगे, हम जा रहे हैं भविष्य बनाने, यहाँ से लोग सोच नहीं आएंगे। और पापा आपको मेन रोल मिल जाएगा, इतना अच्छा कैंसिल कर दो यार, नहीं मंदा अभी कोरोना बढ़ रहा है। हाँ हो गया सुनो
एक ठो ये है, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको मत जगाओ बेटा प्लीज। हाँ ये यही यही दिक्कत है, हम जा रहे हैं, मेरा दुखी नहीं है, उसको मत जगाओ बस। उसको मत जगाओ बेचारे की जान हजार भर जगी। अच्छा तुम्हारा कुकी कल बोर्ड से गया? हाँ हाँ ये देखो, ये इन लोगों का बोर्ड्स क्या है कि नया चीज, कि MCQ क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर दिख रहा हो तो समझ रहे हो, मतलब कोई ऐसा कोई खास नहीं। क्या क्वेश्चन पेपर पे अचार डालोगे क्या? तो अभी सब बाकी राम जी की कृपा है, तो आशीर्वाद लेकर अब चलते हैं। हमारी कैब आ चुकी है, तो अब जल्दी कैब में सामान रखकर हम चलते हैं। हाँ जैकेट हुडी चलो चलो बाय। ए बेटा सुन रहे हो? हाँ ध्यान दे रखते सामान का, ध्यान सामान पूरा ध्यान रखो, उसकी मत चिंता करिए। हाँ ATM पेटीएम सब बहुत अच्छे, सब 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 बड़ा यार। डिस्को लाइट लगाए हैं आप तो अपनी गाड़ी में? पीछे तो चाहिए। चलो ये सब सामान बाकी सूट और वो सब इधर अंदर, उसको भी निकालो ना इधर आगे। चलो 1 2 3 4 5 ठीक है, चलिए प्रणाम। इधर भी हट सामान पे ध्यान दे रहा, उतरते चलो सब दिन को उतार के जो रख लेना। नहीं नहीं परेशान मत होइए, चलिए चलिए बाय सर, बाय बाय सामान, मिलते हैं चलो, नए व्लॉग्स आएंगे। जय साई राम, जय साई राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, ओम गण गणपते नमः। नेक्स्ट मॉर्निंग सो फाइनली अभी पूरी एडिटिंग वाइब्स चालू हैं, पॉपकॉर्न भी इंजॉय हो रहा है। और लाइक अभी हम कौन से स्टेशन पे, आंटी कौन सा स्टेशन है ये? जबलपुर। तो जबलपुर आ चुके हैं, अब जबलपुर से मतलब MP, तो MP से महाराष्ट्र में लगता है, मतलब क्या ट्रेन का टाइमिंग तो वही है, तो सुबह 7 बजे पहुँचेंगे। तो अब जब पहुँचेंगे वहीं मिलते हैं, बिकॉज अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है और समझ रहे हो ना, मतलब चीज़ें थोड़ी है, तो डायरेक्ट पुणे पहुंच के वापस मिलते हैं। पुणे आ चुके हैं क्या हम लोग? हाँ जी पुणे पे रुकी है। हाँ पुणे पे। हाँ अच्छा पता ही नहीं, हम तो सो गए थे तो अंकल ने हमें उठाया, तो अभी उठे हैं, अभी देखते हैं क्या सीन है। भैया भी सो गए थे, तो फाइनली अभी सब लोग जा चुके हैं, हम थोड़े लेट हो गए, तो आराम से जा रहे हैं, इतना कोई जल्दी नहीं है क्योंकि ट्रेन ही रुकनी है, तो भाई आराम से जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पर भीड़ भीड़ थी, अभी लोग चले गए हैं। अर्षित भैया हम लोग मिलेंगे ज़रूर पुणे जाकर कभी हुआ तो, ठीक है। और सौरभ भैया सब बढ़िया? तो भैया ने हमारा सफ़र जो है बहुत अच्छे से बिता दिया, इन्होंने हमें 4 मूवीज़ दे दी, तो बहुत आराम से मतलब अपना सफ़र जो था वो बीत गया, तो मज़ा आया काफ़ी। अभी जैसा भी है डायरेक्ट फ्लैट पहुँच की बात करते हैं, बिकॉज अभी यहाँ पे 5 लगेज हैं, इधर 2 इधर 3, तो हाथ फ्री रहने वाला है नहीं, तो जैसा भी है मिलते हैं आराम से। सो अपनी सोसाइटी कुछ ऐसी दिखती है, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी पहले वाले से, पहले वाले भी जस्ट बगल में थी। सीन ऐसा है कि नहा धो के थोड़ा तैयार व्यार होना है, तो देखना है क्या कर सकते हैं। सैफू तुम भी नहाने जा रहे हो ना? चलो बढ़िया भाई, तुम एक्टिंग ना करो, तुम नीचे पैंट पहन लिए समझे, एक्टिंग ना करो। बहुत ठंडी है यहाँ पे, तो कैसा लग रहा है भाई इतने समय बाद मेरे ब्लॉग में वापस से फीचर हो गए? बहुत बढ़िया लग रहा है, लग रहा है इतनी लड़कियाँ मिल जाएंगी क्या बताएं। अरे यार मैं गलत इमेज लेके चल रहा हूँ, मेरी हम बहुत सीधे साधे लड़के हैं सब, तुम यार हम कह रहे हैं तुमको मिल जाएगी हमारी वजह से। ओ तब सही है, तब सही है, कमेंट डाउन बिलो जिनको जिनको मुझसे प्यार हो गया। किसी को नहीं हुआ है, भाग जाओ सब। तो चलो अभी जो भी है फ्रेश होते हैं और इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। सो होप यू ऑल हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग, पता नहीं शॉर्ट है कि नहीं, लेकिन जो भी, तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कॉलेज जाने का व्लॉग रहेगा, ठीक है, चलो बाय। मलाइयों के साथ दूध, दो मलाइयों और पहलवान। बिल्कुल।